लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था और कूलम्स लॉ सिखाया था। फिर उसके बाद बेसिक कूलम्स लॉ के एक दो क्वेश्चन किए थे। फिर उसके बाद कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख रहे थे हम लोग। हाँ सर, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे एक क्वेश्चन शायद किए थे, वो हाँ सर, क्यूब। क्यूब वाला, हाँ सर, क्यूब वाला है, तीनों ठीक है, डायरेक्शन। कूलम्स लॉ की कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल करेंगे। तो कूलम्ब लॉ के प्रैक्टिस में एक सिंपल सा क्वेश्चन ये देखिए। कोशिश करो इसको। जल्दी करो, 2 मिनट का है ये। एससीबी से बोला था मैंने, कुछ सॉल्व करने को किया है? हाँ सर, किया हाँ है। सर, ये एक्चुअली का ही क्वेश्चन है। हाँ ये एससीबी का ही है। वेरी सर, गुड, फटाक से इसको कर लो, कुछ और करते हैं दो चार। वह फोर पॉइंट नाइन फाइव इंटू 10 रेज़ टू 5। हाँ सर, क्या आया? फोर पॉइंट नाइन फाइव इंटू 10 रेज़ टू 3। और कोई?
हाँ सर आगे बताओ 49.5 कूलम वही सेम। ऐसा कुछ होगा Q1 कितना है फर्स्ट चार्ज 10^-, और R1 डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को तो पहले मीटर में करेंगे तो 10^-2 उसका स्क्वायर तो 100×10^-4 होगा। Q2 कितना है 8×10^-1 और सेकंड का डिस्टेंस कितना है सर 400×10^-1। थर्ड चार्ज कितना है 27×10^-1 कितना है सर 900×10^-1। ऐसा कुछ होगा के को लिख दिया 9×10^9 10^-8 कॉमन नीचे 10^-2 कॉमन सब में से तो ये कुछ ऐसा हो गया 1³/1², 2³/2², 3³/3² ऐसा कुछ हुआ। तो ये हो गया 9×10^3 और इधर हो गया 1+2+3 ऐसा कुछ। लास्ट वाला 10 होगा शायद। तो ये कितना हो जाएगा n×(n+1)/2 सो 9×55×10^3 न्यूटन। कितना हो जाएगा 495 तो 4.95×10^5 ऐसा लिख देता हूं। आया समझ में सबको। आगे बढ़े फटाफट एक और करो। ये थोड़ा ध्यान से करना गलत होने के चांसेस हैं। ये गलत हो सकता है कहीं थोड़ा ध्यान देना इस पर।
आया क्या? रिलेशन वेक्टर आया। चलो देखो, यह है पोजीशन वेक्टर आर वन, यहां पर चार्ज है क्यू वन, यहां पर चार्ज है क्यू टू, पोजीशन वेक्टर आर टू। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज क्यू थ्री एट पोजीशन वेक्टर आर थ्री ऑफ द पॉइंट एट विच प्लेस्ड। एक चीज पक्का है ना, तीन चार्ज का अगर इक्विलिब्रियम है और तीसरा नेगेटिव चार्ज है तो वो जरूर इसी लाइन पर बीच में होगा, और कहीं हो नहीं सकता, इसी लाइन पर कहीं बीच में होगा, है ना? हाँ सर। तो क्यू थ्री मान लो इसी लाइन पर यहाँ है, और ये हो गया Q3 का पोजीशन वेक्टर R3। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? बोलो। तो आपसे इस Q3 का मैग्नीट्यूड पूछा है और पोजीशन वेक्टर R3 भी पूछा है ना? तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखो, अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम है इसका मतलब ये होगा कि Q3 पर Q1 का फोर्स और Q2 का फोर्स दोनों इक्वल अपोजिट होगा, है ना? और दूसरा, अगर वो उसी लाइन पर है तो 1-3 का यूनिट वेक्टर और 2-3 का यूनिट वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। सेम होगा, तो बस इन दोनों बातों को, इन दोनों बातों को यूज कर लेना है, इन दोनों बातों को यूज करो। सबसे पहला आर वन थ्री का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर टू थ्री के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, है ना? Yes. तो आर वन थ्री के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा, वन टू थ्री, थ्री टू टू कर देते हैं इसको। तो फिर रोड है थ्री टू टू थ्री, नहीं थ्री टू टू। आर वन थ्री को क्या लिखेंगे बोलो? वेक्टर आर थ्री माइनस आर वन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर थ्री माइनस आर वन, ऐसा लिखेंगे? यस। दिस इज इक्वल टू आर टू माइनस आर थ्री अपॉन मॉड ऑफ आर टू माइनस आर थ्री होगा। लेट इट बी इक्वेशन वन। दूसरा, इस पर जो फोर्स लगेगा ये नेगेटिव चार्ज है माइ क्यू थ्री, और ये जो फोर्स लगेगा ये दोनों इक्वल अपोजिट होना चाहिए,
सर दोनों का सम जीरो। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन वेक्टर प्लस फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू टू वेक्टर, इन दोनों का सम जीरो होगा। यस सर। तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन को क्या लिखेंगे सर? मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर आर थ्री माइनस आर माइनस आर प्लस R3 minus R2 का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो इस रेशियो, इसको इक्वेशन टू कर लो, तो वन और टू से मुझे आर थ्री मिल जाएगा। फ्रॉम वन एंड टू तो मुझे सबसे पहले आर थ्री बताओ क्या आएगा वन और टू से। सॉल्व कर सकते हो या मैं कर दूं? कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप खुद कर लेंगे। इसके लिए आर थ्री मुझे खाली करके बताइए क्या होगा। बोलो। जो इक्वेशन वन है वो बेसिकली ना R1 ड्यू टू थ्री और R3 ड्यू टू टू का ये है ना यूनिट वेक्टर फॉर्म है। सर R3 रूट ऑफ Q1 R2 माइनस रूट ऑफ Q2 R1 अपॉन रूट ऑफ Q1 माइनस रूट ऑफ Q2। सर R3 इक्वल टू R1 आएगा क्या आएगा? R3 इक्वल टू R1 बट
ऐसा कुछ आया? ऐसा कुछ आया R3? एडिशन नहीं आ सकता। अच्छा हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो सब्ट्रैक्शन कहाँ आएगा? इक्वेशन टू मुझे ऐसे ही दिख रहा है। सॉरी सर, मुझे आ गया सर, एडिशन आ गया सबको? तो यहां तक कोई दिक्कत है? सर। बस वो F3 में F31 प्लस F32 में नेगेटिव साइन आएगा बीच में। नेगेटिव साइन क्यों आएगा? ऐड करके तो 2 टाइम लेगा। वेक्टर सम 0 किया तो नेगेटिव साइन क्यों आएगा? हाँ सर, नहीं है। इस R3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दो, Q3 मिलेगा। रिपीट सर, क्या बोले? मैंने कहा इस R3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे तो Q3 मिल जाएगा। हाँ सर, आएगा बोलो हाँ सर आया। क्या आया? क्या आया जल्दी बताओ? ऐसा कुछ आया? बोलो। नहीं सर, शायद आ रहा।
सर नहीं है। टाइम लगाओगे चलो करते हैं ना, एक और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हेक्सागन वाला एक क्वेश्चन कराया था पिछली बार और एक ये भी कराया होगा वो जिसमें कि तीन चार्जेज हैं स्ट्रिंग से अटैच्ड। हाँ सर किया था ना, ऐसा ही एक क्वेश्चन है इसको कोशिश करो। रेस्पॉन्डिंग जरूरत नहीं है लेकिन टाइम बचे विजुलाइज करने में तो एक डायग्राम भी ले लो इसका। तो कोशिश करो।
बोलो आया कुछ सर? आ रहा है क्या आया सर? mg अपॉन 4 क्यू एच इनटू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 रेस टू 3 बाय 2। एक बार फिर से बोलो। mg अपॉन 4 क्यू एच और फिर होल मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 रेस टू 3 बाय 2। सही है शायद, मैं लिख देता हूँ आंसर, मैच कर लेना। सही है, ये आंसर आया सर। 4 के नीचे आया तो, हाँ सर 4 के नीचे तो 4 के नीचे हो तो नीचे आता हो। चलो देखो इधर, किसी एक चार्ज के कारण, मान लो इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स इधर लगेगा अप डायरेक्शन में उसके। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, यस है ना? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट फोर्स साइन थीटा इधर और ये वाला फोर्स कॉस थीटा इधर, तो ये फोर्स साइन थीटा वाला चारों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेगा और फोर्स कॉस थीटा वाला एमजी को बैलेंस करेगा। सो फोर टाइम्स एफ कॉस थीटा इज एमजी, सो फोर एफ को लिख देंगे के इंटू क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है, तो ये स्क्वायर का साइड लेंथ ए है, हाइट एच है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ए बाय रूट ए बाय रूट टू और ये एच है ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू। हाँ सर। सो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू का होल स्क्वायर हो गया एफ कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में देखो कॉस थीटा बी बाय एच, that is h upon again under root this much, this is equal to mg, ऐसा कुछ? हाँ सर। ये तो बस हो गया, क्या निकालना था मुझे? q, q तो q मेरा हो जाएगा mg into एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू होल टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 के एच, ऐसा कुछ?
हाँ सर क्लियर है सबको या कोई डाउट है किसी तरह का? सर डाउट नहीं पक्का आगे बढ़ूं? ठीक है एक और करो इसको कोशिश करो
बोलो आया आंसर? हाँ सर। क्या आया? तो बोल क्यों नहीं गए हो? भेजा जो देखो इधर, इस रिंग पर चार्ज है तो इसके सेंटर पर अगर हम चार्ज डालेंगे तो वो रिपेल होगा। तो रिंग के पेरिफेरी का हर चार्ज रिपेल होगा तो इसमें टेंशन जनरेट होगा। वही टेंशन आपसे पूछा है, ठीक है? तो कोई एक पॉइंट रिंग का ले लेते हैं, मान लो कोई भी, तो कोई एक पॉइंट लेंगे। तो एक पॉइंट का मतलब बहुत छोटा है, हम लोग डायग्राम में मान लो इसको बड़ा दिखाते हैं ऐसे। समझाने के लिए मैंने ये इतना बड़ा रेड कलर लिया है, अदरवाइज ये जस्ट एक पॉइंट है। ये एंगल मान लो 2 थीटा है, 2d थीटा है। तो यहां पर का टेंजेंट इधर होगा, अगर अगर टेंशन हुआ है तो। इसमें टेंशन अगर टी है तो ये टी इधर होगा, ये टी इधर होगा। ये एंगल 2d थीटा है मान लो, तो ये एंगल डी थीटा, ये एंगल भी डी थीटा। तो टी का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस ऑफ डी थीटा। हाँ सर, जरो दो मैं अपने आप को कैंसिल करें। कॉस ऑफ डी थीटा और साइन कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो ये दोनों ऐड होके ट्वाइस ऑफ टी ऑफ साइन ऑफ डी थीटा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा के क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसको बैलेंस करेगा, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं बीच का फोर्स को बैलेंस करेगा ना। हाँ, डी क्यू क्या होगा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू आर, 2d थीटा लिखा था ना, तो इंटू 2d थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। थीटा अगर छोटा है तो इसको लिखेंगे 2t इंटू डी थीटा। तो ये 2, ये डी थीटा, ये 2, ये डी थीटा कैंसिल। तो टेंशन टी हो जाएगा के क्यू नॉट लैम्डा अपॉन आर। आंसर किसके टर्म में दिया है देखा नहीं मैंने, लैम्डा लिखा है या टोटल चार्ज लिखा है? आंसर नहीं, ऐसा कुछ पूछा नहीं सर, वो सिर्फ बोल रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है ना। तो लैम्डा, तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन 2πr। तो के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 2πr², ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? चलो जल्दी, ये लैम्डा मतलब चार्ज डेंसिटी है क्या सर? लीनियर चार्ज पर यूनिट लेंथ। उस छोटे से रेड कलर में कितना चार्ज होगा कैसे पता चलेगा?
तो पूरे रिंग में चार्ज क्यू है, तो उतने में चार्ज कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू उतने का लेंथ। आगे बढ़े, एक सेकंड। हो गया सर। तो देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े थे, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फंडामेंटल डेफिनेशन सब कुछ वही है जैसा उसमें था, पर यूनिट मास। फर्क इतना है कि वहां पर मास है, यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। तो जैसे कुछ कॉमन सेंस देखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज फोर्स वेक्टर अपॉन क्यू, तो यहां से मुझे मिलेगा फोर्स इज क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर दो बातें होंगी, मास के केस में ऐसा नहीं था, बट यहाँ पर अगर Q पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। सर कैसे? और अगर Q नेगेटिव है, इसका मतलब है फोर्स और फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सर दैट इज इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर है, तो एक्स एक्सिस में मान लो, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स उधर लगेगा अलोंग एक्स, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स माइनस एक्स में लगेगा। हाँ बोलो, क्या सर? सर कौन कह रहा था? सर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर विजुलाइज भी किया जाए तो वो बेसिकली एक एरिया रहता है ना, मतलब सर्कुलर एरिया रहता है ना हमेशा को देखा जाए तो। कहाँ से ये सब आ गया सर्कुलर एरिया? मतलब अगर देखो अभी अब हम मैग्नेटिक फील्ड भी देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड मैंने सिखाया नहीं है, मुझे नहीं आता। ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, वो सिखाया है मैंने, वो मुझे आता है। सर्कुलर एरिया में रहता है ना हमेशा, सर्कुलर सर्कुलर एरिया में रहता है। स्फेरिकल क्या? कहाँ स्फेरिकल में रहता है? देखो, रिंग के कारण फील्ड एक्सिस पर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है। ये सब कहाँ, कौन बता दिया सर्कुलर एरिया ये सब? अपने मन से तुम लोग नया नया फिजिक्स बनाता रहता है।
कहीं पर इतने 8-9 जितने भी लेक्चर मैंने ग्रेविटेशन में पढ़ाए 8 लेक्चर, कहीं ये सब वर्ड कहीं सुना भी कि सर्कुलर एरिया? ऐसा अपने मन से तुम लोग बनाता रहता है साइंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? In order to bring unit positive charge from infinity to a given point. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Relation between field and potential. E is equal to minus dv by dr. हाँ सर, पहले भी था, अब भी है। यहाँ नेगेटिव साइन क्या क्या मतलब होता है? अपोजिट डायरेक्शन। क्या अपोजिट डायरेक्शन? डायरेक्ट, हाँ बोलो। बोलो सर। बोलो सर, आपने भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने बताया था कि पॉजिटिव रहेगा तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन सेम डायरेक्शन है, नेगेटिव रहेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वैसे पोटेंशियल में वैसा कुछ नहीं रहता ना? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। पोजीशन वेक्टर आर में आई जे के सब रहेगा। यस सर। तो इसको हम इलेबरेट करके ऐसे लिखते हैं, है ना? हाँ सर। फिर हम लोगों ने देखा था कि कोई एक चार्ज क्यू पोटेंशियल वी पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो कोई चार्ज Q अगर पोटेंशियल V पर है तो Q इंटू V उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। Yes. फिर हमने देखा था कि दो पॉइंट चार्ज के बीच पॉइंट मास के बीच ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन एनर्जी था। Yes, sir. तो दो चार्ज Q1 Q2 अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं तो इस केस में जो इंटरैक्शन एनर्जी होता है वो क्या होगा? K Q1 Q2 by r। नहीं, यही ध्यान देना है, यहाँ माइनस नहीं होगा। माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटेशन में फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव था। हाँ सर, इसमें दो मिनट। इसमें Q1 Q2 अगर अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्टिव होगा।
तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अपने आप माइनस साइन आ जाएगा। यस समझे कुछ? यस कोई दिक्कत? तो इसका हेडिंग क्या थे? है ना, तो ये हुआ आपका इंटरेक्शन एनर्जी। इसके बाद देखा था अगर मल्टीपल पॉइंट चार्ज सिस्टम है तो उस केस में पूरे सिस्टम की जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है उसमें हम लोग हर टू पॉइंट चार्ज को सम कर देते हैं। हाँ सर, हाँ सर। इसी का समेशन होगा। हाँ सर, डबल सिग्मा। I is equal to 1 to n, J is equal to 1 to n, I not equal to J, और साथ में 1 by 2 भी आएगा। समझ आया 1 by 2 कैसे आया? क्योंकि इस समेशन के फॉर्मूले में मैथमेटिकली सोचो तो Q1 Q2 भी आएगा और दूसरी बार फिर Q2 Q1 भी आ जाएगा, तो इसीलिए हाफ होगा। तो वो एक फैक्टर को माइनस करेंगे और डबल फैक्टर माइनस करने के लिए हम लोगों ने हाफ डाला होगा। आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर। तो मैंने नया कुछ नहीं सिखाया, जो पुराना है सिर्फ और सिर्फ वही बता रहा हूँ, क्योंकि उसको इसमें एक बार यूज करना सीख लेंगे फिर हम लोग आगे नए नए इसके डेरिवेशन करेंगे। फिर इसके बाद हमने देखा था कि पॉइंट मास के कारण फील्ड और पोटेंशियल मालूम है। yes. वैसे पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा के बाई आर स्क्वायर, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे आर क्यूब कर देंगे ऊपर वेक्टर आर कर देंगे और पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर। नेगेटिव चार्ज होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ एक चार्ज के लिए ना सर लिखा है ना पॉइंट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। हाँ सर, ठीक है। यस सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरह बाकी जितने शेप साइज हमने पढ़ा था, रिंग हो, डिस्क हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, सबके कारण फील्ड पोटेंशियल लिख सकते हैं। yes. तो वो हम लोग लिखेंगे, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। ये 7 पॉइंट कॉपी कर लो, इसके कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं 7 पॉइंट के, फिर हम लोग फील्ड और पोटेंशियल डिटेल में देखेंगे।
Yes, sir. सबका हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। आगे बढ़ू? हाँ सर। क्वेश्चन करो। सर सामने कही है? हाँ सामने। ऐसे समझो ये है सेंटर सर्कल का ओ और ये है रेडियस आर। इस पर चार्ज है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ओ। अच्छा ये एंगल भी चाहिए होगा। ये एंगल मान लो कुछ थीटा है। सो फाइंड
magnitude of electric field and potential at O. कोशिश कीजिए.
आया आंसर सर इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्या आया सर 2kq sin theta by 2 upon r square theta शायद सही होगा और सर पोटेंशियल निकाल रहा हूँ चलो इधर देखो यहां से थीटा एंगल पर एक छोटा सा अगर मैं डी थीटा सेगमेंट लूं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा इसके दो कंपोनेंट होंगे ये कंपोनेंट होगा डीई कॉस थीटा और ये कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा होगा ऐसा सर बोलो बोलो दो कंपोनेंट तो बीच में का एंगल डी थीटा लेने का है ना क्या दो ऐसे स्ट्रिप्स लिए ना सर हाँ तो वो बोल रहा है सर हम लोगों ने ऑलरेडी थीटा को यूज कर लिया है ना सर दो बीच में का एंगल डिफाइन करके ये डी थीटा तो ये है ये थीटा है ना तो यहाँ पर जो एक पॉइंट है इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के लाइन में होगा ना सो ये जो डीई वेक्टर है ये आपका इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से लिखे हैं तो माइनस डीई साइन थीटा आई कैप माइनस डीई कॉस थीटा जे कैप लिखेंगे ऐसा बोलो हाँ सर सो माइनस डी क्या होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप डी क्यू को हम लिखेंगे लैम्डा आर थीटा अरे केडी क्यू अपन आर स्क्वायर ये अपना फील्ड हुआ ना डीई ये होगा सो माइनस के लैम्डा अपॉन आर इसको अगर दोनों ओर हम इंटीग्रेट कर दें इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा जीरो से माइनस थीटा बाई टू से थीटा बाई टू माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू फिर जीरो से थीटा भी ले सकते नहीं ले सकते माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू इस डायग्राम में जहां से थीटा लिया है इसको कवर करने के लिए मुझे इधर थीटा बाई टू तक जाना होगा और इधर थीटा बाई टू तक जाना होगा तो माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू तक आया समझ में तो ये कुछ ऐसा हो गया साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस थीटा
तो माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट माइनस थीटा बाय टू, अपर लिमिट प्लस थीटा बाय टू। आई कैप कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस थीटा बाय टू से प्लस थीटा बाय टू जे कैप। कॉस माइनस थीटा भी प्लस कॉस थीटा ही होता है। यस सर। ये टर्म तो जीरो हो जाएगा सर क्या? और साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये टर्म ट्वाइस ऑफ साइन थीटा। सर कैन यू रिपीट? थीटा बाय टू नहीं होगा ऐसा सर? क्या सर? कैन यू रिपीट सर? क्या रिपीट करूं बोलो, मुझे नहीं पता। आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करने आता है ना, आप लिमिट पुट करके देखिए क्या आता है। जीरो आता है तो ठीक, नहीं आता है तब पूछिए। तो फाइनली आंसर इज माइनस टू के लैम्डा अपॉन आर साइन ऑफ थीटा बाय टू जे कैप। तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो टू के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ थीटा बाय टू, ये हमारा आंसर होगा। इसको लिखो, लिखते वक्त हर लाइन को समझो और उसके बाद किसी लाइन पे दिक्कत है तो पूछो। सर हाँ बोलो। आपने, आपको माइनस थीटा बाय टू एंड प्लस थीटा बाय टू कैसे आया? यस थीटा वो स्मॉल, वो छोटा सा अपने एरिया लिया उसका एंगल है ना, उसका एंगल थोड़े ना थीटा। दैट लग रहा है ऐसे पहली बार पढ़ रहे हो। ये जो ब्लैक वाला वर्टिकल लाइन दिख रहा है, यहां से थीटा एंगल पर एक पॉइंट चार्ज लिया डी क्यू, ठीक है। तो इस डी क्यू पॉइंट चार्ज का एंगुलर पोजीशन थीटा है। अब इस पूरे रिंग को कवर करने के लिए ऐसा ऐसा पॉइंट चार्ज यहां से लेकर इधर इस साइड होगा थीटा बाय टू तक, और इधर इस साइड होगा थीटा बाय टू तक। तो मेरा थीटा का लिमिट क्या होगा? माइनस थीटा बाय टू से लेकर प्लस थीटा बाय टू तक, ठीक है। आया समझ में कुछ?
थीटा क्या है? एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज। अपनी डायग्राम में थीटा क्या है? एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज। क्लियर है यहां तक जिसने पूछा था? हाँ सर। पोटेंशियल बताओ जल्दी। जीरो से थीटा लेने पर भी सेम ही आया। अरे बेवकूफ हो क्या, जीरो से थीटा लेंगे तो रेफरेंस कहां से लेंगे थीटा का? तुम लोग दम जैसे लेफ्ट से नहीं? हाँ तो लेफ्ट या राइट कहीं किसी एक एंड से लेंगे। तो अगर मैं थीटा का रेफरेंस इस लाइन से लूं तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से थीटा होगा, या इस लाइन से लूं इधर से तो भी जीरो से थीटा होगा। अगर मैं यहां से लूंगा तो माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू होगा। रखना कहा है इसमें समझना है। अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं तो जीरो से थीटा ऐसे जाऊंगा, यहां से चलना शुरू करूं तो जीरो से थीटा ऐसे जाऊंगा। पोटेंशियल बताओ जल्दी। जो सबसे आसान है एक लाइन में ओरली बोलना है वो तो बोल नहीं पा रहे हो। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है नहीं। जितने भी चार्जेस हैं सारे चार्ज पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर हैं, तो के क्यू बाई आर। क्यू क्या होगा? लैम्डा इंटू आर थीटा। तो के लैम्डा थीटा आंसर। समझा कुछ? सर वो लैम्डा आर थीटा का सारा रहा है वो। सर हम लोग ने यहाँ पे पॉइंट चार्ज का इक्वेशन इसके मतलब यील्ड फील्ड के लिए भी और पोटेंशियल के लिए भी। हाँ सर। क्या? हाँ पॉइंट चार्ज का इक्वेशन यूज किया ना फील्ड और इक्वेशन पोटेंशियल के लिए। हाँ पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड और पोटेंशियल निकाले हैं, फिर उसको इंटीग्रेट किए हैं। एंगल थीटा है तो ये आर्क लेंथ आर थीटा होगा, तो उस पर चार्ज कितना होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू आर्क लेंथ, सो लैम्डा इनटू आर थीटा। अच्छा ओके हाँ हाँ सर। आगे बढ़ूं? सर एक पूछूं क्या? सर बोलो। सर अभी अपने थीटा लिया है तो इस केस में फील्ड जब निकालेंगे लैम्डा को तो 2r थीटा नहीं लेंगे ना, सिर्फ r थीटा ही लेंगे ना? सिर्फ पूछ रहा हूं। लेंगे वर्ड क्या होता है? कहां 2r थीटा कहां मिला तुम्हें? लेंगे क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सॉरी सर। कोई भी चीज क्यों लेंगे? जो आ रहा है वो लेंगे। ये सब रटना तो ना कि ऐसा होगा तो ऐसा ले लेंगे, वैसा होगा ऐसे रटोगे तो कितना रटोगे? सॉरी एक और करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान लगा के करने की कोशिश करो। वो तुम लोगों ने पूछा था ना कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा क्यों, कैसे, बहुत डिस्कशन किया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। उस डिस्कशन के थ्रू इस क्वेश्चन को खत्म ही कर देते हैं जो तुम्हारे दिमाग में आया। कोशिश करो।
आया कुछ? बोलो। नहीं सर, आने देखो इधर। यहां से थीटा एंगल पर कोई छोटा सा सेगमेंट ले लें तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। हाँ सर। कितना लगेगा? तो E नॉट इनटू DQ इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? सर ऑपोजिट डायरेक्शन। इधर लगेगा। कितना लगेगा? वही E नॉट इनटू DQ। ये यही एंगल थीटा होगा। होगा तो इसका भी टॉर्क इधर और इसका भी टॉर्क इधर, दोनों मिला के नेट टॉर्क क्या लिखेंगे सर? एफ इंटू टू आर लिख सकते हैं। ई नॉट इंटू DQ इंटू साइन थीटा, ई नॉट DQ का साइन थीटा कॉम्पोनेंट इंटू आर का डबल। होगा? सोच के बताओ जल्दी। सो टू ई नॉट आर DQ को लिख देंगे लैम्डा इंटू आर इंटू DQ इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया 2E0 लैम्डा आर स्क्वायर साइन थीटा DQ। तो टोटल टॉर्क क्या होगा? इसी को इंटीग्रेट कर देना है 0 से π/2 तक। तो 2E0 लैम्डा आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा DQ From 0 to π/2, so 2E0 lambda r square, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस। तो दो बार r कैसे आ सकता है? 2E0, so 2E0 lambda r square, ये टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है? सर अरे भाई साहब, ये E0 DQ का फोर्स इधर लगा। हाँ सर। ये इस फोर्स का कॉस थीटा कंपोनेंट। हाँ। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा हो गया। तो DF साइन थीटा इनटू R इसका टॉर्क, सेम कहानी इधर इसका टॉर्क, दोनों को ऐड कर दिया वो ट्वाइस हो गया। ओके। परपेंडिकुलर वाला तो कॉस थीटा हो जाएगा। क्या सर? परपेंडिकुलर वाला तो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस होगा क्या? हाँ सर, ये थीटा तो ये एंगल थीटा है ना। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। हाँ ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। हाँ कॉस होगा सर, वो 2 साइन जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने साइन लिखा है उसकी जगह कॉस होगा। माइनस साइन, ये कॉस होगा, ये कॉस होगा, ये साइन होगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? माइनस टॉर्क लेगा। अब लिखा है कहाँ गया, स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना? नेट फोर्स तो 0 है, टॉर्क कितना हो गया और फोर्स क्या हो गया? 0।
बोलो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेट फोर्स जीरो हुआ। हाँ सर कैंसिल हो तो। बट नेट टॉर्क जीरो नहीं हुआ। नहीं सर फिर से एक बार रिपीट करो। क्या क्या रिपीट करो बोलो सर। फोर्स जीरो कैसे हुआ? अरे राइट हैंड साइड का फोर्स और लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स हमेशा एक दूसरे को अपोजिट इक्वल अपोजिट है तो जीरो हुआ। तो नेट फोर्स जीरो हुआ बट नेट टॉर्क जीरो नहीं हुआ। हाँ सर। अब इस टॉर्क को बैलेंस कौन करेगा? फ्रिक्शन करेगा। यस तो ये टॉर्क क्लॉकवाइज है तो फ्रिक्शन को इधर एक्ट करना पड़ेगा है ना। पर ना रिंग तो आगे जा रहा है ना सर। रिंग कहाँ आगे जाने में कोई फोर्स है क्या? आगे जाने के लिए कोई फोर्स है क्या? नहीं नहीं बट टॉर्क है मतलब फोर्स चाहिए तो फ्रिक्शन आगे एक्ट करेगा। आई बात समझ में? तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा? फ्रिक्शन इनटू आर किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। दोनों को बैलेंस कर सकते है ना। हाँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क को फ्रिक्शन का टॉर्क बैलेंस करेगा तो हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन इनटू आर इज इक्वल टू टू ई नॉट लैम्डा आर स्क्वायर कुछ ऐसा। लेकिन लेकिन सुनो लेकिन इससे तो इक्विलिब्रियम में आ गया। यस हमें इक्विलिब्रियम में नहीं हमें तो रोल कराना है। यस सर है ना। तो फ्रिक्शन का टॉर्क लिख देते हैं कोई नहीं। फ्रिक्शन इनटू आर ये फ्रिक्शन का टॉर्क हो गया किधर की ओर तो एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे ध्यान से सुनना सर। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यस सर। सो ए इज इक्वल टू आई अल्फा। अभी रुको उसके बाद टू ई नॉट लैम्डा आर स्क्वायर माइनस फ्रिक्शन इनटू आर दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। और तीसरा प्योर रोलिंग हो रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर। इन तीनों को सॉल्व कर देंगे तो फ्रिक्शन मिल जाएगा। मिल जाएगा। यस सर। सॉल्व करके देखो मिलता है या नहीं। आंसर होगा ई नॉट लैम्डा आर। ओरली मुझे दिख रहा है क्योंकि ये दोनों का आर हटा के यहाँ ले लो इसको ए बाई आर कर दो तो ए बाई आर स्क्वायर जो भी है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आगे आंसर। बट एनीवे आप लिखिए और लिख के फाइनल आंसर तक पहुंच के बताइए। सर बोलो आपने इक्वेशन टू में आरएचएस में क्या लिखा है? आई अल्फा रोटेशनल मोशन पर आता था टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। हाँ सर वही वाला आई अल्फा है।
लिख लीजिए, जिसका हो जाए वो जा सकते हो, एक एक करके लीव कर लो। आज के लिए इतना ही, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ मैं, स्क्रीन ऐसे ही रहेगा। सर रिकॉर्डिंग भेज देना।